हे मालिक, मुझे मोबाइल बना दे। एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक ने कक्षा के बच्चों को कहा, कक्षा का काम दिया कि सभी बच्चे एक निबंध लिखें, वे मालिक से क्या चाहते हैं। सभी बच्चों ने निबंध लिखे। वह शिक्षिका अपने घर पर बच्चों के सभी निबंधों की जांच करने लगी, जबकि एक निबंध ने उसे दुखी कर दिया। पास की उसका पति बैठा था, उसके आंसू देखकर उसने पूछा, क्या हुआ? टीचर ने कहा, एक बच्चे के लिखे इस निबंध को पढ़ो। पति ने लेख पढ़ना शुरू किया। हे मालिक, आज मैं आपसे बहुत खास प्रार्थना करना चाहता हूँ। हे मालिक, मुझे मोबाइल फ़ोन बना दो। मैं मोबाइल बनना चाहता हूँ। मैं ऐसे जीना चाहता हूँ जैसे मेरे घर में मोबाइल फ़ोन जी रहा है। मैं मोबाइल की जगह लेकर बेहद खास बनना चाहता हूँ। मैं अपने माता पिता भाई बहनों के साथ रहना चाहता हूँ। मैं पूरे परिवार के आकर्षण का केंद्र बनना चाहता हूँ। कोई मुझे डांटेगा नहीं, मुझे पीटेगा नहीं और कोई मुझे खुद से अलग नहीं करेगा। मुझे उसी विशेष सावधानी के साथ इस्तेमाल किया जाएगा जैसे वे एक मोबाइल फ़ोन का उपयोग करते हैं, और जब फ़ोन ख़राब हो जाता है तो वे उसी तरह मेरी थोड़ी सी खराबी से बहुत परेशान होंगे। मैं भी अपने पिता के ध्यान का केंद्र बनना चाहता हूँ, जैसे वह ऑफिस से आते जाते और घर पर मोबाइल को देते हैं। चाहे वह कितने भी थके हुए क्यों ना हो, वह केवल मुझ पर ही ध्यान देंगे। मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ मेरी ओर उसी तरह आकर्षित हो जैसे वह मोबाइल की ओर आकर्षित होती है। चाहे वे कितने भी परेशान और गुस्से में क्यों ना हो, वो मुझे इग्नोर करने के बजाय मेरी तरफ आकर्षित होगी, मुझे देखकर मुस्कुराएगी और हंसेगी। और मेरे भाई बहन को जो मुझसे लड़ते झगड़ते हैं, वे भी मेरे मोबाइल हो जाने के बाद मेरे आसपास ही रहेंगे, मेरे लिए माता पिता के सामने जिद करेंगे। इसी तरह हर कोई मेरी तरफ आकर्षित रहेगा, और अंत में सबसे बढ़कर मेरी वजह से हर कोई परेशान और गुस्से में रहता है। इसलिए मेरे मोबाइल बनने के बाद मैं उन सभी को इस तरह खुश रख सकूंगा। हे परमात्मा, मुझे आपसे ज़्यादा कुछ नहीं मांगा है। मेरी बस इतनी सी प्रार्थना है कि मुझे मोबाइल बनाकर उसकी जगह दे दो। शिक्षिका के पति ने भी उदास मन से कहा, हे ईश्वर, कितना हताश बच्चा है। इसके घर में इसके माता पिता और भाई बहन इसके बाद साथ क्या बर्ताव करते होंगे जो इसने मालिक से ऐसी प्रार्थना की। शिक्षिका ने आंखें उठाकर पति की ओर देखा और रोते हुए कहा कि ये लेख हमारे ही बच्चे ने लिखा है, ये कहानी यही समाप्त हुई। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये हम सभी की बात है। हम अपने माता पिता भाई बहन और बच्चों से दूर होते जा रहे हैं। हमारा ज़्यादातर समय मोबाइल और कंप्यूटर पर बीतता है। क्या एक मिनट के लिए रुकना और अपनी दिनचर्या को देखना बेहतर नहीं है कि हम किसे पर्याप्त समय दे रहे हैं और किसे नहीं दे रहे हैं? अपनी दिनचर्या को ठीक करें, मशीनों से बाहर निकलें और इंसानों के साथ समय बिताएं। तो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी? वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।